नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। छाया पुरुष साधना। छाया पुरुष क्या होता है? शैडो। अपने छाया को एक रूप दे करके और फिर उससे काम लेना, इस साधना और इस सिद्धि को छाया पुरुष साधना कहते हैं। तो आप में और आपके छाया पुरुष में क्या अंतर होता है? बिल्कुल वही अंतर होता है जो आप में और एक आत्मा में, या आप में और एक किसी दूसरे पराजीव में होता है। और वो ये है कि ये छाया पुरुष किसी भी तरीके के सेंसेस में नहीं बंधा है। मतलब ये आप ही का एक्सटेंशन है, लेकिन ये लिमिटलेस है। ये किसी बॉडी के लिमिट में नहीं बंधा है। ना इसको छूने की ज़रूरत है किसी चीज़ को समझने के लिए, ना इसको देखने की ज़रूरत है, ना इसको सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, इसका किसी भी चीज़ को परसीव करने का जो कैपेसिटी होता है वो अनंत होता है। इसीलिए हम छाया पुरुष साधना करते हैं। सीधे आकाशिक लाइब्रेरी से ये आपको जो है, जो भी आपको जानकारी चाहिए भूत भविष्य वर्तमान या किसी के बारे में, तो वो ये आपको लाकर दे सकता है। इस्लामिक तंत्र में एक साधना है हमजाद साधना, हमजाद साधना, उसको सही सही अगर बोला जाए तो हमजाद साधना। तो वो हमजाद साधना बहुत लोग करते हैं ये सोच कर कि वही छाया पुरुष साधना है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमजाद साधना का जो बेसिक रूल है वो ये है कि आप अपने प्रतिबिंब को आईने में देख करके उस साधना को करते हैं। प्रतिबिंब और छाया में अंतर होता है। हमजाद जो उर्दू शब्द है, फारसी शब्द है, इसका मतलब होता है कि अपनी ही जाति का, तो हमजाद हुआ। तो जो आपकी जाति का हो, मतलब इस डायमेंशन से नहीं, उस डायमेंशन से, किसी और डायमेंशन से, उसको जब आप सिद्ध करते हैं और वो उसको जब आप इधर बुला लेते हैं अपने डायमेंशन में, तो फिर वो हमजाद होता है। वो देखने में आपकी तरह लगता है लेकिन वो आप नहीं होते, आपका उस पर पूरा कंट्रोल नहीं होता है। जैसे एक भूत या पिशाच या जिन को आप कब्जे में करते हैं, वैसे ही हमजाद को आप कब्जे में करते हैं, वो आपका एक्सटेंशन नहीं है। लेकिन छाया पुरुष आपका ही मैनिफेस्टेशन है और आपका ही एक अंग होता है। छाया पुरुष की साधना सिर्फ सनातन हिंदू धर्म में है। सनातन और हिंदू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग सनातन धर्म से वाकिफ नहीं रखते, या फिर वो उनको समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूँ। वाम और दक्षिण मार्ग दोनों में छाया पुरुष साधना है। जो दक्षिण मतलब सात्विक साधनाएं हैं, ऐसे दोनों में, दोनों जो साधनाएं हैं वाम और दक्षिण, दोनों साधनाएं में बलि या कारण का प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों में जो मंत्र है वो अलग है और दोनों में जो विधान है वो अलग है। सात्विक भाव से जब आप इसकी साधना करते हैं तो गायत्री तंत्र में छाया पुरुष साधना होता है। गायत्री मंत्र के प्रयोग से ही छाया पुरुष की सिद्धि की जा सकती है। आज जो मैं आपको साधना बताऊंगा वो वाम मार्ग से छाया पुरुष साधना की है। ठीक है, तो वाम मार्ग में देखो, अब वाम मार्ग में छाया पुरुष साधना मतलब क्या? वाम मार्ग का जो सबसे ईस्ट किताब है वो काला किताब होता है। बहुत जगह आप लोग सुनते होंगे लाल किताब के टोटके, लाल किताब एस्ट्रोलॉजी की किताब है। लाल किताब में सिर्फ ज्योतिष का वर्णन है। ठीक है, जो तंत्र है और जो टोटके हैं वो काले किताब में आते हैं। ठीक है, काले किताब का ये साधना है जिसको छाया पुरुष साधना कहते हैं। देखो इसको करना कैसे है। इसका एक लाइन का साबर मंत्र है, इसको सिद्ध करना होता है। इसको 40 दिन में आप सिद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले इस साधना को ऐसे कमरे में करना चाहिए जहां किसी भी और का प्रवेश निषेध हो। दूसरा, ये कमरा चाहे तो बिल्कुल नया बना हुआ हो या इसका पेंट पोचाड़ा फिर से पूरा किया गया हो, मतलब इस तरह का शुद्ध होना चाहिए। और जिस दिन आप पहले बार इस साधना को करने रात में बैठेंगे तो आप स्नान करके और नए कपड़े पहनेंगे। ठीक है, क्योंकि आप समझो कि आप अपना जितना प्योर
फॉर्म इस साधना में दोगे उतना ही प्योर आपका छाया पुरुष होगा। तो आपको करना क्या है कि आप एक साफ सुथरे कमरे में, चाहे तो नया या नया पेंट पोचाड़ा किया हुआ ऐसा एक कमरे में जाकर के साफ सुथरा कपड़ा पहन करके बैठ गए, आप नॉर्थ की तरफ देखेंगे, ठीक है, जिधर कैलाश है उस तरफ देख करके इसकी साधना होगी। घी का एक दीपक लेंगे और उसको ऐसे स्थान पर रखेंगे, मतलब सामने की तरफ नहीं रखना है, ऐसे तरफ अपना रखना है, चाहे तो दाएं रखिए, बाएं रखिए या पीछे रखिए, लेकिन उसकी पोजिशनिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपको आपका छाया दिखना चाहिए। और उस छाया को देख करके आप डेली मंत्र है अगम निगम की खबर लगाए सोहम पार ब्रह्म को नमस्कार, ठीक है, आगम निगम की खबर लगाए सोहम पार ब्रह्म को नमस्कार। फिर से सुनिए, आगम निगम की खबर लगाए सोहम पार ब्रह्म को नमस्कार। देखो इसका हर रात आपको 2500 जाप करना है 40 दिनों तक। शुरुआत में आपको कुछ कुछ आभास होगा, आप ज़्यादा कॉन्शियस अपने आप को समझ पाओगे, कुछ भी आहट वाहट आपको समझ में आने लगेगी। 7 दिन अगर सही सही आप इस साधना को कर लोगे तो आपको एक छोटा सा छाया पुरुष दिखेगा, ठीक है। आप कंटिन्यू करना, 21 दिन में एक पूर्ण रूप का छाया पुरुष आपको दिखेगा, ठीक है, लेकिन वो आपसे इंटरेक्ट नहीं करेगा। जब 40 दिन पूरा हो जाएगा तो ये छाया पुरुष जो है आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा और आपसे पूछेगा कि तुमको चाहिए क्या। उस समय मतलब खजाना वजाना मत मांगना, बहुत ज्ञान मत मांगना, क्योंकि उसमें यह सक्षम नहीं है। सीधे बोलना कि तुम्हें जब और जिस कारण से मैं बुलाऊं तुम मेरे पास आ जाना। तो छाया पुरुष से आप क्या काम ले सकते हैं, छाया पुरुष से आप आकाशिक लाइब्रेरी में जो भी इंफॉर्मेशन है, मतलब किसी का भूत, किसी का भविष्य है, किसी का वर्तमान जानना हो, अपना कुछ छोटा मोटा कार्य कराना हो, तो वो छाया पुरुष से कर सकते हैं, किसी की जासूसी करानी हो। हाँ, छाया पुरुष की साधना के बाद एक चीज के लिए सतर्क रहिएगा कि छाया पुरुष को जब भी आप कहीं भेजिएगा तो कभी किसी अच्छे तांत्रिक या अघड़ के पास मत भेजिएगा, क्योंकि छाया पुरुष को कैद करने का विधान है। और अगर आप पड़ गए चक्कर में तो आपके छाया पुरुष को कैद कर लिया जाएगा और उसके माध्यम से आप पे हर तरफ से बंदिश लग जाएगी। तो ये काली किताब की पहली साधना, गायत्री तंत्र के हिसाब से भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे छाया पुरुष की साधना की जाती है। बेसिक साधना, बंधन वंदन मंत्र, भैरव मंत्र अगर सीखना है, भैरव जी का पूजा कैसे करें, ये सारी विद्याएं सीखनी है, तो मेरा एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर भूत प्रेतों में इंटरेस्ट है तो हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मेरी किताब है, वो आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, बुक स्टोर्स में मिलता है। जिसको मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है, मेरा वेबसाइट है www.aghortantrahasya.xyz, उसमें आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए आप लोग कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें रुद्रनाथ सर्च कीजिए और फिर आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही, आप सभी को आदेश आदेश अलाख आदेश।